नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल साउंडटेक पे, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है 8 चैनल का इको मिक्सर, जो कि स्ट्रेंजर की तरफ से है और जिसका मॉडल नंबर जो है SM80U। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 चैनल का इको मिक्सर जो कि स्ट्रेंजर की तरफ से, और सबसे पहले देखते हैं इसका ओवरलुक। तो गाइस, ये इको मिक्सर जो है करीबन मेरे पास 2 साल से हर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है गाइस। और ये 8 चैनल का इको मिक्सर है, जहाँ पे हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं गाइस, और डीजे के लिए अलग सा मिक्सर यूज करते हैं, जिसका मैंने वीडियो बनाया है गाइस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। डीजे मिक्सर काफी डायनाटेक का मिक्सर है, काफी बढ़िया मिक्सर है गाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसका मॉडल के बारे में, जो स्ट्रेंजर की तरफ से SM80U है गाइस, जिसमें हम लोग 8 चैनल इनपुट दे सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा हर एक चैनल के लिए एक लाइन इनपुट और साथ में माइक इनपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 8 चैनल के लिए हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर तक नंबर्स दिए गए हैं। तो बात करते हैं इसके 1 नंबर चैनल के सारा नॉब के बारे में गाइस। तो 1 नंबर चैनल के नॉब के बारे में डिटेल्स आप लोगों को पता होगा, तो आप यही जो है फंक्शंस 1 2 3 4 करके 8वें नंबर तक वही अप्लाई होगा आपको। ये 1 चैनल का जितने भी नॉब्स का फंक्शन है, वही फंक्शंस आपको दूसरी चैनल्स में भी अप्लाई होगा गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा 1 नंबर चैनल के नॉब्स के बारे में। तो सबसे नीचे से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम का फेडर, जहाँ पे हम लोग अप एंड डाउन करके वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके नीचे हम लोग को यहाँ पर इफेक्ट के लिए दिया गया है एक नॉब, जहाँ से हम लोग पार्टिकुलर ये 1 नंबर चैनल का इफेक्ट यानी कि इको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर है यहाँ पर पैन वाला नॉब, जो कि हम लोग लेफ्ट, ये जो अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी ये जो पैन वाला नॉब जो है अभी 0 पे सेट किया है मैंने, क्योंकि हमारा ये चैनल में बहुत लेफ्ट लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि राइट फ्रीक्वेंसी हम लोग को दोनों समान करके मिलेगा। अगर हम लोग ये वाले नॉब को इस तरफ यानी कि लो की तरफ करेंगे तो बेस फ्रीक्वेंसी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और राइट की तरफ करेंगे तो हाई यानी कि ट्रिबल या तो मिड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा गाइस। तो ज्यादातर इसको हम लोग लो ही में रखते हैं, सॉरी 0 में ही रखते हैं। और उसके ऊपर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ट्रिबल की नॉब यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए नॉब दिया गया है, जो कि -16 dB से लेके +16 dB तक अवेलेबल है गाइस, जिसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और उसके ऊपर दिया गया है मिड फ्रीक्वेंसी का नॉब, जहाँ से हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं मिड यानी कि हमारे हाई फ्रीक्वेंसी का हाई फ्रीक्वेंसी या तो मिड फ्रीक्वेंसी हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके ऊपर दिया गया है बेस वाले यानी कि लो वाले फ्रीक्वेंसी का नॉब, तो यहाँ से हम लोग ये वाले चैनल का बेस हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके ऊपर दिया गया है गेन वाले नॉब, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम यानी कि इसका जो है गेन कर सकते हैं, वॉल्यूम गेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर लिखा गया है 1 नंबर चैनल, और ऊपर पीक दिया गया है गाइस। इसका मतलब ये जो है कि ये वाला अगर चैनल का हम लोग वॉल्यूम पूरा हाई कर देते हैं तो ये वाले पीक वाला इंडिकेटर जलता है, जिसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर ओवरलोडिंग यानी कि पीक में है ये वाले चैनल का आउटपुट। और उसके ऊपर जो माइक का इंसर्ट वाला जगह दिखता है, इंसर्ट करने का यहाँ पर माइक इनपुट दिखता है गाइज, और उसके ऊपर लाइन इनपुट। माइक इनपुट में हम लोग बेसिकली माइक इंसर्ट करते हैं, और लाइन इनपुट में हमारे जितना भी लैपटॉप के लिए केबल से या तो हमारे जितने मोबाइल के लिए केबल से वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये वाला जो मैंने बताया आप लोग को, ये वाला नॉब जितना भी है 1 नंबर चैनल का नॉब, वही फंक्शन ये वाले नॉब वगैरह में अलाउ होता है, अप्लाई होता है गाइस। तो देखते हैं एक ही बार में आउटपुट सेक्शन में यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइस। तो गाइस, चलते हैं इसका मेन आउटपुट पे। तो यहाँ पे है लेफ्ट लेफ्ट चैनल के लिए 2 इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, और राइट चैनल के लिए 2 इंसर्ट करने के स्लॉट दिया गया है। साथ में सेंड एंड रिटर्न के लिए भी यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, जहाँ से हम लोग एक्सटर्नल इफेक्ट कोई भी आइटम से हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि DD3 वगैरह हो गया, जितना भी हो गया। और साथ में यहाँ पर पावर के लिए इंडिकेटर दिया गया है, जहाँ से पावर ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा इंडिकेटर के थ्रू। उसके नीचे देखेंगे तो आउटपुट का लेवल दिया गया है, जहाँ से हम लोग को लेफ्ट चैनल के लिए अलग सा लेवल
और राइट चैनल के लिए अलग सा इंडिकेटर दिया गया है, उसके नीचे यहाँ पर स्ट्रेंजर अपना ब्रांडिंग दिया गया है और साथ में यहाँ पर मॉडल नंबर के साथ में SM80U। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट चैनल के लिए यहाँ पे दूसरा नॉब भी दिया गया है, जहाँ से हम लोग ये वाला नॉब ज्यादा बढ़ाएंगे तो लेफ्ट चैनल का जितना भी वॉल्यूम है रेज होगा, और साथ में राइट वाले चैनल का कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर नॉब दूसरा नॉब दिया गया है, और साथ में यहाँ पे MP3 ऑप्शंस के लिए एक छोटा सा बटन जैसे दिया गया है जहाँ से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं MP3 को। और उसके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डिले टाइम के लिए नॉब दिया गया है जहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके नीचे फीडबैक के लिए भी टाइमिंग दिया गया है जहाँ से हम लोग फीडबैक का टाइमिंग जो है ज्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं उस इधर के साइड में हेडफोन के लिए एक स्लॉट भी दिया गया है जहाँ से हम लोग हेडफोन हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए पार्टिकुलर हेडफोन के लिए वॉल्यूम भी दिया गया है गाइस, जहाँ से हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं हेडफोन का वॉल्यूम। और साथ में यहाँ पे नीचे दिया गया इफेक्ट मास्टर, यानी कि ये सारे चैनल के लिए हमारा एक मास्टर से भी यहाँ पे इफेक्ट कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर डिजिटल प्लेयर दिया गया है, और डिजिटल प्लेयर में हम लोग माइक्रो SD, ब्लूटूथ और USB से हम लोग सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, इस मिक्सर को चला सकते हैं, जिसमें से हम लोग को यहाँ पर प्रीव्यू और नेक्स्ट के लिए छोटा छोटा बटन वगैरह दिया गया है, और प्ले और पॉज के लिए भी, साथ में मोड सेलेक्ट करने के लिए और साथ में स्टॉप के लिए यहाँ पर छोटा छोटा बटन दिया गया है। गाइस ये 8 चैनल का मिक्सर काफी बढ़िया है, जो कि मेरा करीबन 2 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया गाइस, और साथ में छोटा मोटा प्रोग्राम चलाने के लिए काफी बढ़िया है। अगर आपको 8 चैनल में से नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे दूसरा मिक्सर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए 2 आउटपुट चाहिए, जिसको हम लोग अगर लेफ्ट वाले आउटपुट ये वाले 1 नंबर चैनल में देंगे तो राइट वाले आउटपुट 2 नंबर चैनल में देके हम लोग दूसरा मिक्सर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में गाइस एक्स्ट्रा हम लोग को इफेक्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ से सेंड एंड रिटर्न से हम लोग एक्स्ट्रा इफेक्ट भी डाल सकते हैं गाइस, और काफी बढ़िया ये मिक्सर है गाइस, जिसका साइड में भी ब्रांडिंग दिया गया है स्ट्रेंजर का, और इस तरफ जो कि इस तरफ भी दिया गया है, इस तरफ भी ब्रांडिंग के साथ में कुछ लिखा गया है जहां पे आप देख सकते हैं पावर केबल जहां से 220 वोल्ट से हम लोग का चलता है, साथ में ऑन ऑफ का स्विच यूज दिया गया है, और साथ में यहाँ पर अर्थिंग के लिए भी दिया गया है, और साथ में यहाँ पर कॉशंस भी दिया गया है गाइस, और स्ट्रेंजर का यहाँ पर स्टिकर भी दिया गया है, स्ट्रेंजर की स्टिकर, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर एंड बार कोडिंग दिया गया है गाइस। तो गाइस इस मिक्सर काफी बढ़िया है, ये मिक्सर 8 चैनल में से काफी बढ़िया है मिक्सर। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके गाइस। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।